चलिए बच्चों बेटा, करते हैं आज की क्लास अपनी स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने आपको स्टार्ट कराया था बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ये हमारा वेक्टर के अंदर यूज होने वाला एलजेब्रा का फर्स्ट कंडीशन है, जिसे हम लोग नाम देते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। और मैंने आपको बताया था भाई, मल्टीप्लाई करने के तीन तरीके हैं हमारे पास में। एक तो कॉमन तरीका है, किसी भी वेक्टर में नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सिंपल तरीके से हम अंदर वेक्टर में नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। उम्मीद है कि जिन बच्चों ने कल का लेक्चर देखा होगा उन्हें चीज़ें समझ में आई होगी। एक हमने आपको बताया बेटा डॉट प्रोडक्ट, आज हम उसी डॉट प्रोडक्ट को पढ़ने वाले हैं। अच्छे तरीके से उसे हम पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस हम लोग जानेंगे कि भाई कहाँ कहाँ हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो बच्चों, आज की क्लास में जो टॉपिक है हमारे पास में, इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ बेटा इसे नाम दिया जाता है स्केलर प्रोडक्ट। ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से सीखना है बेटा आप लोगों को। डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ हम इसे नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, इस प्रोडक्ट का काम क्या है बेटा? इस प्रोडक्ट का काम यह है, जब हमें वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर में करके एक स्केलर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? स्केलर। वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर में करने के बाद हमें जो आंसर चाहिए होता है वो स्केलर चाहिए होता है। यहाँ स्केलर का मतलब किस चीज़ से है? यहाँ स्केलर का मतलब मात्र एक नंबर से है। यानी देखो, वेक्टर के अंदर होता है आई कैप, जे कैप, के कैप, और यहाँ भी वेक्टर के अंदर क्या होता है बेटा? आई कैप, जे कैप और के कैप। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करके आई कैप और जे कैप और के कैप नहीं चाहिए, सिर्फ एक नंबर में आंसर चाहिए, वहाँ हम यूज़ करेंगे डॉट प्रोडक्ट का। यानी वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर में करके जब हमें स्केलर चाहिए होता है, हमें ऐसी क्वांटिटी चाहिए होती है जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वहाँ हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। इस डॉट प्रोडक्ट को बेटा हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और डॉट प्रोडक्ट हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेक्टर और वेक्टर के बीच में ये डॉट दिख रहा है आप लोगों को, इस डॉट का यूज़ किया जाता है। वेक्टर और वेक्टर के बीच में दिख रहा है ना आप लोगों को ये डॉट, इस डॉट का यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। चलिए अब ये डॉट प्रोडक्ट काम कैसे करता है देखो बेटा। काम करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कहीं पर बनती है ऐसी कंडीशन आई डॉट आई, तो ये कहलाएगा बेटा हमारा वन। अगर कहीं बनती है ऐसी कंडीशन जे डॉट जे, ये भी कहलाएगा हमारा वन। और अगर बनती है कहीं ऐसी कंडीशन के डॉट के, तो ये भी कहलाएगा बेटा हमारा वन। आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन। समझ आ रही है बेटा बात? ये वेक्टर की कंडीशन है। अच्छा, अगर इसके अलावा ये सिचुएशन हमारे पास में बनती है, जैसे कि आई डॉट जे, ये आई है और ये जे है और बीच में डॉट है, तो बेटा ये कहलाएगा जीरो। अगर कहीं ऐसी कंडीशन बनती है जे डॉट के, तो ये भी कहलाएगा ज़ीरो। और अगर ऐसी कंडीशन कहीं बनती है के डॉट आई, तो ये भी कहलाएगा हमारा ज़ीरो। अगर सेम टर्म के बीच में डॉट आता है तो वन, और अगर डिफरेंट टर्म के बीच में डॉट आता है तो ज़ीरो। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट को करने के लिए एक बेसिक सा ऑपरेशन है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बेटा एक एग्जाम्पल से कि डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे कैसे। देखो बेटा, जैसे कि हमारे पास में ये एक वेक्टर है भाई, वेक्टर हमें दे रखा है ये आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। ओके स्टूडेंट, दूसरा वेक्टर हमें दे रखा है बी वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस के थ्री जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर ए है हमारे पास में ये, और वेक्टर बी है हमारे पास में ये। हमें जो आंसर निकालना है बेटा, वो हमें निकालना है वेक्टर ए डॉट बी का आंसर। हमें ये आंसर निकालना है ए डॉट बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम ए की जगह रखेंगे ये वाली वैल्यू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। ठीक है बेटा, ए की जगह रखी हमने ये वाली वैल्यू, बीच में लगाया हम लोगों ने डॉट, और बी की जगह रखी हमने ये वैल्यू
टू आई कैप माइनस के थ्री जे कैप प्लस के कैप। देखिए ध्यान से, ए की जगह रखी है हमने ये वाली वैल्यू, बीच में लगाया है डॉट, और बी की जगह रखी है हमने ये वाली वैल्यू। आइए अब हम करते हैं बेटा इनकी मल्टीप्लाई। देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, दिख रहा है बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो ये बन जाएगा टू आई डॉट आई। फिर आई की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो ये बन जाएगा माइनस के थ्री आई डॉट जे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आई डॉट के। उसके बाद प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर फोर जे डॉट आई। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर माइनस के सिक्स जे डॉट जे। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे प्लस के टू जे डॉट के। उसके बाद प्लस सिक्स के डॉट आई माइनस के नाइन के डॉट जे प्लस के थ्री के डॉट के। लो बेटा ये आंसर हमारा निकल कर आया, हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी और ये आंसर हमारा बन गया। कॉमन मल्टीप्लाई करी, जैसे हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, फिर इसकी यहाँ पर, फिर इसकी यहाँ पर, फिर इसकी यहाँ पर, मतलब जैसे भी आप ब्रैकेट को सॉल्व करना सीख के आए हैं नाइन्थ क्लास में टेंथ में, वैसे ही हमने किया। अब आप देखो स्टूडेंट कि बेटा क्या कंडीशन हमारे सामने बनेगी। मैंने आपसे कहा था ये जो आई डॉट आई है इसकी जगह आएगा वन, उसके बाद ये जो जे डॉट जे है इसकी जगह आएगा वन, और ये जो के डॉट के है इसकी जगह आएगा वन, बाकी सब की जगह ज़ीरो आएगा, बाकी सब की जगह ज़ीरो। ये भी ज़ीरो, 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 बाकी सब हमारा ज़ीरो बन जाएगा बेटा। तो क्या आंसर बनेगा स्टूडेंट हमारे पास में, हमारे पास में बनेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ आ गया है वन, अगर यहाँ वन आ गया तो बचा हमारे पास में सिर्फ टू, ओके, यहाँ आ गया वन तो बचा हमारे पास में सिर्फ माइनस सिक्स, और यहाँ आ गया वन तो बचा हमारे पास में सिर्फ प्लस थ्री, थ्री एंड टू फाइव, फाइव और माइनस सिक्स, एंड द करेक्ट आंसर इज माइनस वन। लो बेटा ये आंसर हमारा निकल कर आया कि ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो हमारी माइनस वन के इक्वल होगी। ये जो ए डॉट बी हमारा होने वाला है ना, ये माइनस वन के इक्वल होने वाला है। बताइए फाइनल आंसर जो हमारा आया है वो एक नंबर है या नहीं है, बिल्कुल एक नंबर है, बताओ है या नहीं है, बिल्कुल एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नंबर हमेशा क्या होता है, नंबर होता है हमेशा स्केलर। ये हमारा वेक्टर था, ये हमारा वेक्टर था, और आंसर आया हमारा नंबर जो एक स्केलर होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट वो है जहां वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर में करने पर आंसर हमारा स्केलर आता है, वो हमारा डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। ये तो मैंने बता दिया इसे ऑफिशियली करने का तरीका, ऑफिशियली हम कैसे सॉल्व करेंगे, पैटर्न क्या है सॉल्व करने का, कंसेप्ट क्या है सॉल्व करने का, लेकिन हम हर बार क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। इतना टाइम हमारे पास में नहीं होता है कि हम पूरी प्रॉब्लम को पूरा ऐसे सॉल्व करके लेकर आएं। उसका एक बहुत आसान सा तरीका है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं बेटा, ठीक है। पहले आप इसे जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम आपको बताते हैं उस ईजी मैथड को। चलिए बच्चों देखो बेटा क्या है वो डॉट प्रोडक्ट निकालने का मेथड, जरा समझिएगा भाई। मेरे पास में एक वेक्टर है ए, इसकी वैल्यू है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप। दूसरा वेक्टर है मेरे पास में बी, इसकी वैल्यू है फोर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस वन के कैप। देख लो बेटा ध्यान से कैसे कर रहा हूँ मैं सॉल्व। ये दो वेक्टर मुझे गिवन दे रखे हैं और मुझे इनके बीच में निकालना है डॉट प्रोडक्ट। क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मींस मुझे निकालना है ए डॉट बी, ठीक है। तो बेटा आसान तरीका ये है, आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर टू,
और यहाँ आई का कॉफिशेंट क्या है, 4, सीधा इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये आ गया 8। यहाँ जे का कॉफिशेंट क्या है, 3, और यहाँ जे का कॉफिशेंट क्या है, 2, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करो, ये आ गया 6 हमारे पास में। ओके, अब यहाँ आइए, यहाँ के का कॉफिशेंट क्या है, 5, और यहाँ के का कॉफिशेंट क्या है, 1, सीधा इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, ये आ गया 5। ये सीधा सीधा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है बेटा। इसकी आई वाले की मल्टीप्लाई आई वाले में, जे वाले की मल्टीप्लाई जे वाले में, के वाले की मल्टीप्लाई के वाले में, और ये आंसर आ गया हमारा। और देखिए फाइनल आंसर क्या निकल कर आया भाई, फाइनल आंसर हमारा निकल कर आया है ए डॉट बी इज इक्वल टू 8 and 6 14, 14 और 5 19, एंड द करेक्ट आंसर इज ए डॉट बी इज इक्वल टू 19। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटा, ये होने वाला है हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, और बड़े प्यार से बड़े आराम से आप लोग इसे कर सकते हैं। अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 भाई, हमें एक वेक्टर दे रखा है ये, -k2i, -k3j, +k4k, ये हमारे पास में एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर है हमारे पास में i+j+k, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे हम सॉल्व, हम आंसर निकाल रहे हैं p डॉट q, i के सामने क्या लिखा है, -2, और यहाँ i के सामने क्या लिखा है, 1, -2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये आएगा -2, यहाँ j के सामने क्या लिखा है, -3, और यहाँ j के सामने क्या लिखा है, 1, -3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये बन जाएगा -3, यहाँ k के सामने क्या लिखा है, 4, और यहाँ k के सामने क्या लिखा है, 1, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारे पास में 4, ठीक है बेटा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें ये बन गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें ये बना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें ये बना, समझ आ रही है बात, बस सॉल्व कर लीजिए, एंड द करेक्ट आंसर इज -1। हमारा जो करेक्ट आंसर है बेटा पी डॉट क्यू का, वो आ गया है -1। ऐसे करेंगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व, बताइए कुछ मुश्किल है क्या, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, और बड़े आसानी से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल हमारे डॉट प्रोडक्ट को निकालने को लेकर हैं बेटा, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, एक वेक्टर हमें दे रखा है 3i, -kj, +2k, ये दे रखा है हमें एक वेक्टर 3i, -kj, +2k, ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा वेक्टर हमें दिया गया है यहाँ पर j, +3k। अब जरा गौर से आप दोनों वेक्टर को ध्यान से देखो भाई, एक वेक्टर है हमारे पास में a, उसकी वैल्यू है 3i, -kj, +k2k। दूसरा वेक्टर में सिर्फ j और k है, जो दूसरा वेक्टर है आपके सामने उसमें सिर्फ j है और k है, i नहीं है, दिख रहा है ना बेटा आप लोगों को, i नहीं है। सेकंड वेक्टर में हमारे पास में i नहीं है, तो मैंने i अपनी तरफ से लिख दिया 0i, मैंने i अपनी तरफ से लिख दिया है और मैंने लिखा है 0i, i को मैंने अपनी तरफ से लिख दिया और वो है 0i। चलिए अब हम बनाते हैं कंडीशन और क्या आंसर बनेगा, ये बनेगा हमारे पास में a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a डॉट b इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। देखो कैसे करेंगे, i के सामने क्या है 3, और यहाँ i के सामने क्या है 0, 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, j के सामने क्या है -1 और यहाँ है 1, -1 की +1 में करेंगे तो ये बन गया हमारे पास में -1, ये 2 है और ये 3 है, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे ये हो गया हमारे पास में 6। सो करेक्ट आंसर इज 5, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। अब मुझे लगता नहीं कि यार आप लोगों को परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है,
आपको एक तो अच्छे से डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ डॉट प्रोडक्ट का यूज़ होगा और कहाँ डॉट प्रोडक्ट का यूज़ नहीं होगा। जहाँ भी हमें स्केलर क्वांटिटी चाहिए होगी, दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी चाहिए होगी, वही हम यूज़ करेंगे बेटा डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, चलो एक और देख लो, एक लास्ट एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए ध्यान से, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है भाई, हमें एक वेक्टर दे रखा है m वेक्टर, और ये है कुछ ऐसे i कैप माइनस के 4 j कैप प्लस के 6 k कैप। ठीक है बेटा, एक वेक्टर हमें दे रखा है n वेक्टर, और ये है हमारे पास में सिर्फ 5 k कैप, सिर्फ और सिर्फ 5 k कैप, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहले आप ये देखो, सेकंड वेक्टर में हमारे पास में सिर्फ k है, ना i है ना j है, तो अपनी तरफ से लगा दो i और j। अगर यहाँ i नहीं है तो हम लिखेंगे 0 i, यहाँ j नहीं है तो हम लिखेंगे 0 j। समझ आ गई बेटा बात? अब आप देखो, i के सामने क्या है 1, और यहाँ i के सामने क्या है 0। हमने लिखा mn वेक्टर इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे, आंसर आ गया 0। ओके, इसके बाद देखो, j के सामने है -4 और यहाँ j के सामने है 0, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, आंसर आएगा बेटा 0। ओके, k के सामने है 6 और k के सामने है 5, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास में 30। एंड द करेक्ट आंसर इज 30। हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा बेटा वो बनेगा 30। mn वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारी 30 के इक्वल होगी। ऐसे हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो भाई ऐसा है कि इन 5 एग्जाम्पल को करने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख चुके होंगे और आपको पता चल चुका होगा कि डॉट प्रोडक्ट का यूज़ हम कब करते हैं। ये बताया है हमने डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट के बारे में आपको, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होगा, आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई ये 0 के बराबर होगा। कंसेप्ट के हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये है, लेकिन हमारे पास में इतना टाइम नहीं होगा कि हम प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे बेटा। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसके पढ़ेंगे एप्लीकेशन कि हम कहाँ कहाँ डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं बेटा, हम कहाँ कहाँ डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, हम वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, सो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखो बेटा, हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखो वैसे तो डॉट प्रोडक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो आगे चलकर चैप्टर्स में आपके सामने आएंगे। दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट तीसरी क्वांटिटी बन जाएगा, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ कॉमन कॉमन एग्जाम्पल की बात करनी है, कॉमन कॉमन एप्लीकेशंस की बात करनी है, उन एप्लीकेशंस की बात करनी है जो इसी चैप्टर से हमारे एग्जाम में पूछे जाती हैं। ठीक है, तो बेटा टॉपिक है हमारे पास में एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ओके, और पहला एप्लीकेशन है हमारा, नंबर 1 एप्लीकेशन है हमारा टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लो बेटा, ये है हमारी प्रॉब्लम, क्वेश्चन हमारा ये है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इस तरीके का सवाल हम लोगों से पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जैसे कि आप ये समझिए कि दो वेक्टर हमें गिवन दिए हैं, एक वेक्टर हमें ये दिया है और एक वेक्टर हमें ये दिया गया है। भाई हमने माना इस वेक्टर का जो नाम है हमारे पास में वो है ए वेक्टर, और इस वेक्टर का जो नाम है हमारे पास में वो है बी वेक्टर, और ये है सेंटर पॉइंट, और इनके जो बीच का एंगल है ये हमें दे रखा है थीटा। समझ आ रही बात? ये वेक्टर का नाम है ए और ये वेक्टर का नाम है बी। समझ आ रही बेटा बात? ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इनके जो बीच का ये थीटा दिख रहा है ना, ये है एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, ये इनके बीच का एंगल है स्टूडेंट। अब क्या होगा क्वेश्चन के अंदर,
आपको दो वेक्टर दिए जाएंगे बेटा, वेक्टर ए दिया जाएगा, वेक्टर बी दिया जाएगा, आपको उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना होगा कितना होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का तरीका क्या है? बेटा दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो ये है, ध्यान रखिएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। लो साहब, ये दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का तरीका है हमारे पास में। अगर हमें दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना है तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल में लेकर आएंगे। मैं इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना भी आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन पहले ये फॉर्मूला आप लोग अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए, दो वेक्टर के बीच हम इस तरीके से एंगल निकालेंगे। अच्छा, इस फॉर्मूले के ऊपर दो नोट पॉइंट है बेटा हमारे पास में। पहला नोट पॉइंट हमारे पास में ये है, अगर हमें ये कह रखा है कि भाई दो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है। आप जानते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। दिस इज वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इनके बीच में बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। समझ आ रही है बेटा बात? अच्छा, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा। ध्यान रखेंगे बेटा, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा, हमेशा जीरो के इक्वल होगा। और जो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं ना, उन्हें हम एक और नाम से पुकारते हैं और वो नाम है हमारे पास में ऑर्थोगोनल वेक्टर। जो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं उन्हें हम एक और नाम से पुकारते हैं और वो है हमारे पास में ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो मतलब यह है कि एग्ज़ाम में सीधा सीधा भी आ सकता है कि भाई परपेंडिकुलर है, और इस नाम से भी एग्जाम में आ सकता है ऑर्थोगोनल वेक्टर, कि भाई दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं। तो जैसे ही आपसे कहेगा कि दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। और परपेंडिकुलर वेक्टर की कंडीशन में जो डॉट प्रोडक्ट हमारा होता है बेटा वो जीरो के इक्वल रहता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब आता है बेटा हमारे पास में सेकेंड पॉइंट, नोट पॉइंट नंबर टू। नोट पॉइंट नंबर टू हमारे पास में ये है कि दो वेक्टर के बीच जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा मॉड ए इंटू मॉड बी के, मॉड ए इंटू मॉड बी के। अगर ऐसा होता है, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी के इक्वल होता है, तो हम कहेंगे भैया ये दोनों वेक्टर आपस में हैं पैरेलल। और पैरेलल वेक्टर का मतलब ये है कि इनके बीच में बन रहा है जीरो डिग्री का एंगल। पैरेलल वेक्टर होने का मतलब यह है कि इनके बीच में बन रहा है जीरो डिग्री का एंगल। समझ आ रही है बेटा बात? तो दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला तो है हमारे पास में ये, कि दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास में। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी है जीरो, और अगर पैरेलल हैं तो ए डॉट बी है मॉड ए मॉड बी के इक्वल। अब हम करेंगे इसके ऊपर प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस करेंगे बेटा। आप लोग पहले जल्दी से ना नोट डाउन कर लीजिए, जरा जल्दी से नोट डाउन करिए, हम फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं बेटा इसके ऊपर, एग्जाम्पल नंबर वन या क्वेश्चन नंबर वन। देखो सवाल हम लोगों से कैसे पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के कैप। देखो बेटा ये है हमारे पास में प्रॉब्लम, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। भाई एक वेक्टर तो हमें दे रखा है ये, और एक वेक्टर हमें दे रखा है ये, इन दोनों वेक्टर के बीच हमें निकालना है एंगल। तो मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया बेटा कि एंगल निकालने का फॉर्मूला है क्या हमारे पास में। एंगल निकालने का फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी।
ये दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का तरीका है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए डॉट बी। मैंने जस्ट अभी आपको ए डॉट बी निकालना सिखाया बेटा। कैसे निकालेंगे ए डॉट बी? आई के सामने क्या है? 1, और यहाँ आई के सामने क्या है? 2। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2। यहाँ क्या है? 1। यहाँ क्या है? 1। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ये आ गया ये। यहाँ क्या है? 1। यहाँ भी क्या है? 1। मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल आउट। ए डॉट बी निकल गया हमारा 2 के इक्वल बेटा। ये जो ए डॉट बी है हमारा, ये निकल चुका है 2 के इक्वल। अब हम निकालते हैं मॉड ए की वैल्यू। देखो मॉड ए की वैल्यू कितनी आएगी। अब हम निकालेंगे मॉड ए की वैल्यू, और मॉड ए कितना आने वाला है हमारे पास में। आई के सामने क्या है? 1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1। जे के सामने क्या है? 1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1। के सामने क्या है? 1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1। एंड द करेक्ट आंसर इज अंडर रूट 3। फिर हम निकालते हैं बेटा मॉड बी की वैल्यू। मॉड बी निकालते हैं स्टूडेंट हम लोग, मॉड बी, ठीक है। चलो आई के सामने है 2। 2 का स्क्वायर करेंगे 4। माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 1। प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 1। एंड द करेक्ट आंसर इज अंडर रूट 6। ठीक है बेटा, ए डॉट बी आ गया हमारे पास में 2, मॉड ए आ गया अंडर रूट 3, और मॉड बी आ गया अंडर रूट 6। बस हमारा काम इतना है कि इन्हें यहाँ से उठाकर यहाँ पुट करना है हम लोगों को। देखो भाई कैसे करेंगे आगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, कितना है? ए डॉट बी है हमारे पास में 2, ठीक है। उसके बाद मॉड ए कितना है? मॉड बी है अंडर रूट 3, और मॉड ए है अंडर रूट 3, और मॉड बी है अंडर रूट 6। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 18। अब एक काम करेंगे, कॉस को यहाँ से उठाकर इधर लेकर चले जाएंगे। सो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में कॉस इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 18। ये आंसर आएगा बेटा हमारे पास में, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 18। देखो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं था, ना ही कॉस के अंदर ये किसी की परफेक्ट वैल्यू होती है। हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ थीटा। हम कॉस इनवर्स कॉस को उधर ले गए, तो ये बन गया हमारा आंसर कॉस इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 18। दिस इज़ द परफेक्ट वैल्यू ऑफ एंगल। ये हमारी परफेक्ट वैल्यू होगी, इतना एंगल निकल कर आएगा बेटा हमारा दो वेक्टर के बीच में। ऐसे हम एंगल निकालेंगे, ठीक है। करिए नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर हम लोग। चलिए देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट बना हमारे पास में फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेयर पी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप एंड q वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। देखो बेटा ये कंडीशन है हमारे पास में, दो वेक्टर हमें गिवन दे रखे हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को? ये दो वेक्टर हमें गिवन दे रखे हैं, हमें निकालना है इनके बीच का एंगल। अब कैसे निकालेंगे हम इनके बीच का एंगल? बेटा दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का तरीका है ये, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पी, और यहाँ आएगा मॉड ऑफ क्यू। ये हमारे पास में दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का तरीका है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी P डॉट Q की। ज़रा फटाफट P डॉट Q निकालते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2। यहाँ माइनस 1, यहाँ 1, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1। यहाँ 3, यहाँ 1, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया प्लस 3। 3 एंड 2 5, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारे पास में 4। पी डॉट क्यू इज इक्वल टू 4। अब हम निकालते हैं बेटा मॉड पी की वैल्यू। मॉड पी निकालते हैं हम लोग। देखो मॉड पी कितना होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1, 3 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में 9, ठीक है। अब हम निकालते हैं मॉड क्यू की वैल्यू स्टूडेंट। मॉड क्यू कितना आने वाला है? देखो बेटा 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1,
वन स्क्वायर वन। बेटा ये आ गया हमारे पास में अंडर रूट 14 और ये आ गया है हमारे पास में अंडर रूट 3। देखो P डॉट Q तो निकल गया है 4, ये निकल चुका है इतना और ये निकल चुका है इतना। अब इन दोनों की वैल्यू उठाकर हमें पुट कर देनी है बेटा यहाँ पर। P डॉट Q की वैल्यू है हमारे पास में 4, ये है अंडर रूट 14 और ये है अंडर रूट 3। ये बन गया स्टूडेंट हमारे पास में। अब कैसे करेंगे आगे सॉल्व? बेटा आगे की कंडीशन बनेगी cos थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट 14 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 42। अब तुम मुझे ये बताओ कि कभी cos के अंदर ये वैल्यू परफेक्ट वैल्यू देखी है आपने? नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, cos को यहाँ से उठाकर इधर ले जाएंगे और ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 अपॉन अंडर रूट 42। लो बेटा ये बन जाएगा हमारा आंसर। दिस इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये हमारा दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा बच्चों। ठीक है, करिए जल्दी से नोट डाउन, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ऐसी आनी है बेटा आपके पास में प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या होगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आप ये समझिए बेटा कि एक वेक्टर हमें दिया गया है ये और एक वेक्टर हमें दिया गया है ये, और हमें इन दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल बताना है कितना होगा थीटा। जरा ध्यान से समझिएगा, दो वेक्टर हमें दिए गए हैं, एक वेक्टर हमें दिया गया है ये और एक वेक्टर हमें दिया गया है ये। ये वेक्टर हमें दिया गया है स्टूडेंट, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बेटा ये वेक्टर हम लोगों को दिया गया है ये टू आई कैप माइनस के फोर जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, इनके बीच का एंगल निकालना है। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसा मैंने अभी इससे पहले आपको मेथड बताया वैसा ही मेथड लगाएंगे और एंगल निकाल देंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि वो आंसर गलत आएगा बेटा, वो आंसर सही नहीं आएगा। अगर आपको दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना है ना, तो दोनों एरो का साइन बाहर की तरफ होना चाहिए या दोनों एरो का साइन अंदर की तरफ होना चाहिए, तभी आप उनके बीच का एंगल सही निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो, एक एरो तो जा रहा है बेटा हमारा बाहर की तरफ और एक एरो जा रहा है अंदर की तरफ, ऐसे सही आंसर नहीं निकल पाएगा। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि ये एरो तो बाहर की तरफ जाए ही, ये वाला एरो भी आपका बाहर की तरफ जाए, ये वाला एरो भी बाहर की तरफ जाए और ये वाला एरो भी बाहर की तरफ जाए, तब आप इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ऐसे आप इनके बीच का एंगल नहीं निकाल सकते हैं। और अगर मैं एक काम करता हूँ, सुनिए ध्यान से, अगर मैं एक काम करता हूँ भाई, इस वाले एरो के साथ तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, जैसा ये पहले था वैसा ही ये अब है, तो इसके वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके वेक्टर में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमने इसके साथ तो छेड़छाड़ की, और क्या छेड़छाड़ की, इसका एरो का साइन बदल दिया हमने, पहले इसका एरो जा रहा था ऐसे, अब हम इसका एरो ले गए ऐसे, एरो को बाहर की तरफ लेकर गए। अगर मैं इसके एरो को बाहर की तरफ लेकर गया तो जो वैल्यू प्लस है वो तो माइनस हो जाएगी और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी। देखो जैसे कि ये प्लस 2i था तो ये बन जाएगा हमारे पास में माइनस के 2i, ये माइनस के 4j था ये हो जाएगा प्लस के 4j और ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस के। अब आप इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अब इनके बीच का एंगल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से बढ़िया करके आप इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, देखो दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा वो ये है, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए और यहाँ है मॉड बी, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। चलिए अब इसके लिए बेटा हमें ज़रूरत पड़ेगी ए डॉट बी की। देखो कैसे निकलेगा ए डॉट बी, ए डॉट बी कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा ज़रा, आई के सामने क्या है वन, यहाँ भी वन और यहाँ भी वन, और यहाँ आई के सामने क्या है माइनस टू, वन की मल्टीप्लाई माइनस टू से करेंगे तो ये बन गया हमारे पास में माइनस टू। यहाँ J के सामने क्या है 1 और यहाँ J के सामने है 4,
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया हमारे पास में प्लस फोर। यहाँ k के सामने क्या है 1 और यहाँ k के सामने क्या है 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया हमारे पास में 1 एंड द करेक्ट आंसर इज 3। ए डॉट बी इज इक्वल टू 3। ए डॉट बी हमारा निकल कर आ चुका है 3 के इक्वल। अब हम निकालते हैं बेटा मॉड ए की वैल्यू। अब हम निकालते हैं मॉड ए की वैल्यू कितना होगा। मॉड ए ज़रा समझिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड द करेक्ट आंसर इज अंडर रूट 3। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग निकालते हैं मॉड बी की वैल्यू कितना होगा। मॉड बी ज़रा समझिए, मॉड बी कितना होगा। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 16, 1 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 1 एंड द करेक्ट आंसर इज अंडर रूट 21। अंडर रूट 21। तो बेटा ए डॉट बी हमारे पास में हो चुका है 3, मॉड ए हो चुका है अंडर रूट 3 और मॉड बी हो चुका है अंडर रूट 21। इनकी वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी हो गया हमारे पास में 3, मॉड ए हो गया हमारे पास में अंडर रूट 3 और मॉड बी हो गया हमारे पास में अंडर रूट 21। ओके स्टूडेंट, बेटा आंसर बना हमारे पास में, ज़रा ध्यान दीजिएगा 3 अपॉन अंडर रूट 63। अब आप जानते हैं कि इसके बाद क्या करना है, कॉस को उधर ले जाना है और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स करके आंसर बन जाएगा। लेकिन ये जो कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ बताया है ना बेटा, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ध्यान रखेगा। एंगल निकालने के लिए दोनों वेक्टर का बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर दो वेक्टर बाहर की तरफ नहीं जाएंगे या दो वेक्टर अंदर की तरफ नहीं आएंगे तब आप सही एंगल नहीं निकाल पाएंगे। अगर कहीं ऐसे हो रहा है कि एक वेक्टर तो जा रहा है बाहर और एक वेक्टर जा रहा है अंदर, तो पहले एक काम करो दोनों वेक्टर को बाहर की तरफ लेकर जाओ। अच्छा, इस वेक्टर को बाहर ले जाने के लिए हमने क्या किया, हमने इसका एरो का साइन बदल दिया, इस तरफ लेकर आ गए और जो माइनस था उसे हमने प्लस कर दिया, यानी माइनस की मल्टीप्लाई कर दी इसके अंदर। अगर एरो का साइन बदला ना बेटा तो वेक्टर में माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो गया हमारा नया वेक्टर और ये निकाल दिया हमने इनके बीच का एंगल। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कंसेप्ट बेटा। ठीक है, करिए नोट डाउन जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम भाई हमारे पास में ये है, हमें वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k। दूसरा वेक्टर हमें दे रखा है माइनस के ai माइनस के aj प्लस के 2ak। लो बेटा ये दे रखा है हमें वेक्टर, दो वेक्टर हमें गिवन दिए हैं स्टूडेंट, दो वेक्टर हमें गिवन दिए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और हमें ये कहा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, आपको स्मॉल ए की वैल्यू बतानी है बेटा क्या होगी। ये है हमारे पास में कंसेप्ट। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो स्मॉल ए की वैल्यू क्या होने वाली है आपको ये बतानी है। देखिए स्टूडेंट, बेटा कंसेप्ट मैंने आपसे कहा था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल होगा। ध्यान रखिएगा, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे ना बेटा तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होने वाला है। अब कैसे करेंगे, यहाँ आई के सामने क्या है 2, यहाँ क्या है माइनस ए, मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस के 2a, यहाँ है 3 और यहाँ है माइनस ए, ये बन गया माइनस के 3a, यहाँ है 4 और ये बन गया 2a, ये बन गया हमारे पास में 8a और ये हो गया जीरो के इक्वल। बताइए समझ में आ रही क्या बात। या एक काम करिए, यहाँ ए नहीं है, ये ए नहीं है बेटा, यहाँ पर यहाँ नहीं है ए, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे ये हो गया 8, ये कितना हो गया भाई हमारे पास में माइनस के 5a प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। और ए की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल कर आ गई है
8/5। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ए निकल कर आएगा बेटा हमारा 8/5। ऐसे हम प्रॉब्लम बनाएंगे स्टूडेंट। ए इज इक्वल टू 8/5। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे ये कहा जाए कि भाई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, या परपेंडिकुलर के साथ साथ एक वर्ड कहा जाता है ऑर्थोगोनल, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा। ऐसे आप प्रॉब्लम करोगे बेटा। जैसे आप समझो जरा, मान लो हमें कहा कि एक वेक्टर है हमारे पास में और ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है बेटा। दूसरा वेक्टर है हमारे पास में एक्स स्क्वायर आई कैप, ठीक है बेटा, और यहाँ है हमारे पास में माइनस के फोर एक्स, और यहाँ है हमारे पास में प्लस के फोर, ये जे कैप है, ये के कैप है। देखो कई बार ना, मतलब एंट्रेंस एग्जाम में इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है कि एक वेक्टर ये है हमारे पास में और एक वेक्टर ये है हमारे पास में, और दोनों के दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं। ये जो दोनों वेक्टर है ना बेटा आपस में, ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं, ये दोनों वेक्टर हैं हमारे ऑर्थोगोनल। अब आप जानते हैं ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के हैं परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। समझ आ रही बेटा बात। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है भाई, परपेंडिकुलर का मतलब यह है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारा जीरो के इक्वल होगा। इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स, वो हमारा जीरो के इक्वल होगा। चलिए हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। भाई कितना आएगा डॉट प्रोडक्ट, आई के सामने क्या है वन, वन की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से। लो भैया ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये वन है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये बन गया माइनस के फोर एक्स, ये वन है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के फोर, और ये हो गया हमारे पास में जीरो के इक्वल। यानी ए डॉट बी जीरो के बराबर रख के ये हमारी कंडीशन बन गई। अब बताइए ये कैसी इक्वेशन है भाई हमारे पास में, ये कैसी इक्वेशन है हमारे पास में बेटा, ये है हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक सही मायने में टेंथ क्लास आपने पढ़ी क्यों है, आपने टेंथ क्लास ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखने के लिए पढ़ी है। वहाँ बहुत सारे तरीके आपने सीखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, बस उनमें से कोई भी तरीका लगाइए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए और यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा अभी तक की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा एक बार आप देख लीजिए। अभी तक की क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया, और ये इसका ऑफिशियल मेथड है डॉट प्रोडक्ट निकालने का। एक प्रॉब्लम ये बनाई, एक प्रॉब्लम ये बनाई, एक प्रॉब्लम ये बनाई, और एक प्रॉब्लम हम लोगों ने ये बनाई बेटा, ठीक है। यहाँ हमने दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना सीखा कि कैसे हम दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंगल का एक प्रॉब्लम हमारी ये हो गई, एंगल की दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये हो गई बेटा, ठीक है। एंगल की तीसरी प्रॉब्लम हमारी ये हो गई, यहाँ हमने दोनों एरो के साइन को बाहर की तरफ लेकर गए तब हमने सॉल्व किया। ये कंडीशन तब है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, और ये कंडीशन भी तब है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। अब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बेटा एक प्रॉब्लम, ये आप लोगों को खुद से सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, या वेक्टर ए और वेक्टर बी, जहां हमें ए दे रखा है ये 2i-k2j+3k, ठीक है बेटा, और दूसरा वेक्टर हमें दे रखा है ये 6i-k2j-3k। देखो ये दो वेक्टर हमें दे रखे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर विच इज गिवन बिलो। वेक्टर ए इतना है, वेक्टर बी इतना है, और हमें इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है कितना होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएं और सभी लोग हमारे पास में आंसर सेंड करें बेटा, ठीक है स्टूडेंट। बाकी NCERT वाली सीरीज आप लोगों की चल ही रही है, उस सीरीज़ को अपना अच्छे तरीके से आप लोग देखते रहें, कॉपी अलग से बनाएं, सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करें, कहीं कोई समस्या आती है तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है।
चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।